जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम बात करेंगे टॉप 10 फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। सो जो एयरक्राफ्ट हैं, जो स्पीड कंपैरिजन करेंगे हम काफी एयरक्राफ्ट के बीच में, और देखेंगे कौन सा एयरक्राफ्ट कितना तेज है। सो वी विल डिस्कस मैनी करेक्टरिस्टिक्स ओवर हेयर। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो हमारा जो 10 नंबर का एयरक्राफ्ट है वो है सुखोई 27। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सुखोई की जो सीरीज है वो कम्प्लीटली एक रशियन मेड एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट की ये कम्प्लीटली कैटेगरी है। सो इसकी अगर इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की बात करें सुखोई 27 की, तो इसका वेट 16,380 kg है और इसकी लेंथ 22 मीटर है। अगर टॉप स्पीड की बात करें तो ये 2900 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो देखो ये एयरक्राफ्ट है F-11 Hardwork। ये एयरक्राफ्ट यूएसए एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाता था पहले, अभी तो नहीं है। ये मीडियम रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट था। इसका वेट 21,400 किलोग्राम है और लेंथ की बात करें तो 22 मीटर है। इसकी टॉप स्पीड 3,087 किलोमीटर पर आ रहे हैं। इसी श्रेणी में अगर नेक्स्ट एयरक्राफ्ट की हम बात करें तो F-15 Eagle है। ये अगेन एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो यूएसए की, जो अमेरिका की एयरफोर्स है वो यूज करती है। इसका वेट 20,410 किलोग्राम है और इसकी टोटल लेंथ 19 मीटर है। अगर स्पीड की बात करें तो 3,090 किलोमीटर पर आ रहा है। ये हमारा नंबर 8 का एयरक्राफ्ट था। नंबर 7 की बात करें तो MiG-31 एयरक्राफ्ट आता है जो रशियन एयरफोर्स यूज करती है, क्योंकि मिग सीरीज अगर हम देखें इंडिया में कंपेयर करें तो MiG-21 हम यूज करते आ रहे हैं, MiG-23, MiG-27 एंड MiG-29 ये एयरक्राफ्ट है। कंप्लीटली मिग जो सीरीज है ये रशियन एयरफोर्स यूज करती है। अगर इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसका वेट 21,800 किलोग्राम है और इसकी लेंथ 23 मीटर है। अगर स्पीड की बात करें तो यह 3,500 किलोमीटर पर आर आप देख सकते हैं, काफी फास्ट एयरक्राफ्ट है। अगर मिग सीरीज की और बात करें तो अभी MiG-35 भी आ चुका है जो रशियन एयरफोर्स यूज करती है। अगर हम नेक्स्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो यह है XB-70। ये 6 इंजन का एयरक्राफ्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके आप डिजाइन देख सकते हैं। यहाँ पे 6 इंजन है, काफी लंबा एयरक्राफ्ट है। ये भी यूएसए की जो एयरफोर्स है वो यूज करती है। इसका टोटल वेट 1,15,000 किलोग्राम है और लेंथ 56.6 मीटर है। स्पीड की अगर हम बात करें तो 3,704 किलोमीटर पर आ रहा, मतलब काफी तेज एयरक्राफ्ट है इतना लंबा इतना हैवी होने के बावजूद भी। अगर हम नेक्स्ट एयरक्राफ्ट की बात करें नंबर 5, तो X-2 Starbuster। देखो ये एयरक्राफ्ट काफी पुराना है, 1945 में आया था और उसका मेन पर्पज, ये बहुत ही छोटा कह सकते हैं, छोटा एयरक्राफ्ट है, इसका वेट भी ज्यादा नहीं है। इसका मेन पर्पज था कि जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं उनकी फ्लाइंग करेक्टर स्टिक्स देखने के लिए, उनके जो वेरियस फ्लाइंग पैरामीटर्स हैं उनको मापने के लिए बनाया गया था 1945 में। ये भी यूएसए का एयरक्राफ्ट है जो काफी पुराना है। इवन इसकी स्पीड की बात करें तो 3,950 किलोमीटर पर आ रहा है, काफी फास्ट है। फोर्थ एयरक्राफ्ट की बात करें तो MiG-25 है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये आप देख पा रहे हैं मिग सीरीज, अगेन MiG-25 है। ये भी काफी तेज एयरक्राफ्ट है, अगेन ये फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका वेट 20,000 किलोग्राम है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 24 मीटर है, फाइटर एयरक्राफ्ट। और स्पीड की यहाँ पे आप देख सकते हो 3,950 किलोमीटर पर आर। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट की बात करें नंबर 3, तो है लॉकहीड YF-12। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये यूएसए एयरफोर्स यूज करती है इसको, और कॉस्ट इसकी 15 से 18 मिलियन, मतलब ये बहुत ही कॉस्टली एयरक्राफ्ट है। और इसका वेट 27,600 किलोग्राम है, जिसकी लेंथ 31 मीटर और इसकी टॉप स्पीड की अगर हम बात करें तो 4,136 किलोमीटर पर आ रहा है। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट इसी रेंज में अगर हम बात करें तो लॉकहीड SR-71। अगेन ये एयरक्राफ्ट आप देख सकते हैं काफी स्टाइलिश एयरक्राफ्ट है। इसका पूरा नाम लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। ये यूएसए एयरक्राफ्ट यूएसए एयरफोर्स यूज करती है और इसका जो मेन पर्पज है जो हाई एल्टीट्यूड होता है वहां पे काफी अच्छा रिकॉनिसेंस मीन्स सर्विलेंस के लिए बनाया गया एयरक्राफ्ट। इसका अगर वेट की बात करें तो 27,200 किलोग्राम है एंड इसकी लेंथ 33 मीटर है। स्पीड की बात करें तो 4,200 किलोमीटर पर आर, काफी फास्ट एयरक्राफ्ट आप देख सकते हैं। और नंबर 1 की बात करें, अगेन ये तो इनसे डबल स्पीड का आप बोल सकते हैं। ये भी यूएसए एयरफोर्स एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, इसका नाम है North American X-15। ये सबसे तेज एयरक्राफ्ट है। ये देखो इस एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए भी ग्राउंड से नहीं उड़ सकता, इसको किसी एरोप्लेन की विंग से आप पहले अटैच करोगे, उसके बाद ही ये मतलब हवा में ही लॉन्च होगा। इसमें रॉकेट इंजन लगे हैं और ये एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट है क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ता है। अगर इसकी टॉप स्पीड की हम बात करें तो 8,273 किलोमीटर पर आर, काफी तेज एयरक्राफ्ट है। अगर इसकी मैं बात करूं कि कितना तेल पी सकता है, तो देखो इसकी जो टोटल फ्यूल कंज्यूमिंग कैपेसिटी है वो 6,800, मतलब 6,800 जो ये लीटर तेल है, ये ही कुछ ही टाइम में आप कह सकते हो 1.5 से 2 मिनट में कंज्यूम कर जाएगा, इतना फास्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी लेंथ 15 मीटर है और इसका जो वेट है 6,620 किलोग्राम है। सो आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दैट वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।